गुजरात हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए गोधरा कांड में 11 अफराद की सजाए मौत को फांसी में तब्दील कर दिया है। पेश है 7H की ये रिपोर्ट। गोधरा कत्लेआम पर आज गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 11 कैदियों की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। आपको बताते चलें कि 27 फरवरी 2002 में गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन के करीब साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी नंबर 6 में चंद अफराद ने आग लगा दी थी, जिसमें अयोध्या से आने वाले 59 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जिसके बाद SIT की खसूसी अदालत ने 1 मार्च 2011 को इस मामले में 31 लोगों को मुजरिम करार दिया था, जबकि 63 अफराद को रिहा किया गया था। 11 कैदियों को सजाए मौत दी गई थी, जबकि 20 अफराद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए आज गुजरात हाईकोर्ट ने 11 मुजरिमों को उम्र कैद और बाकी 20 अफराद की उम्र कैद को बरकरार रखा है, और अदालत ने कहा है कि यह वाकया हुकूमत की मुजरिमाना लापरवाही का नतीजा था। ताहम मुतासर अफराद को 10 लाख रुपये मुआवजा अदा करने का हुकूमत को अदालत ने हुक्म दिया है।